Hello students, welcome back to PrepOn. Today we are celebrating this Parakram Divas, the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. तो मुझको ये सूझा क्यों ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ हम लोग आज बात करें जो हमारे लिए एकेडमिकली बड़ा यूजफुल होगा. एक मौका मिला तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हिम. तो लेट अस सी अबाउट हिम थ्रू दिस वीडियो लेक्चर. So, Netaji Subhash Chandra Bose was born in Cuttack in 1897. In 1897, he was born in Cuttack in Odisha. Odisha Cuttack में उनकी birth होती है. 1897 वो समय है जब freedom struggle में बाल गंगाधर तिलक एक leader के तौर पे active होते जा रहे हैं, बहुत एक्टिव होते जा रहे हैं. 1897 वो ईयर है जब बहुत बड़ा फेमिन पड़ा है भारत में, अकाल का समय है, और जब ये एपिडेमिक एक्ट पास हुआ था जो अभी लागू हुआ था. 1897 में एपिडेमिक एक्ट पास हुआ था उसी फेमिन के समय, वही अभी लागू हुआ था, लागू है बल्कि इस कोविड के समय में. तो ये वो समय था एंड ही वॉज बॉर्न, मतलब जब तिलक अपनी लीडरशिप की स्किल्स को एकदम इस्टेब्लिश कर रहे थे. गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका एंड मॉडरेट्स हैड बीन वर्किंग इन द कांग्रेस. एक्सट्रीमिस्ट व्यू का अभी कोई खास ज़्यादा पता नहीं है. ऐसे में ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज बॉर्न टू लीड इंडिया इन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, इन टू द न्यू डायमेंशन. तो उस समय उनकी पैदाइश होती है. एक बड़े परिवार से थे, ओबियसली ही वॉन्टेड टू, हिज पेरेंट्स हिम वॉन्टेड हिम टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. तो ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, अपीयर्ड ओवर देयर इन द कॉम्पिटिशन ICS. इस समय तक इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था. आपको याद होगा 1858 में जब कंपनी का रूल ख़त्म हो जाता है, क्राउन का रूल शुरू हो जाता है, तब इंडियंस के लिए भी सिविल सर्विसेज फ्री कर दी गई थी. मतलब दे कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज. एंड सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज. इस तरीके से इंडियंस आते थे, इंग्लैंड जाते थे, वही रह के वो तैयारी करते थे और शामिल उसमें हो जाते थे. तो ही वॉज ऑल्सो देयर. बट उनकी फोर्थ रैंक भी आई सिविल सर्विसेज में, अच्छी रैंक आई थी उनकी, बट वो सब उनको भाया नहीं और वो एलियन गवर्नमेंट को, सिस्टम को छोड़कर चले आते हैं, भारत वापस आ जाते हैं 1921 के आसपास. और ये वही समय है जब गांधी जी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग, रादर हैज लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने चरम पे इस समय है. देश बंधु चितरंजन दास बंगाल के एक लीडर हैं, बड़े ही पॉपुलर हैं और इस समय कांग्रेस के बड़े इंपॉर्टेंट नेता हैं देश बंधु सी आर दास और चितरंजन दास. सुभाष बोस उनके संपर्क में आते हैं और फिर उनको ही अपना पॉलिटिकल गुरु मान लेंगे. तो सुभाष बोस के पॉलिटिकल गुरु देश बंधु चितरंजन दास थे. तो उनके संपर्क में आकर वो और उन्हीं के हिसाब से काम करने लगते हैं. गांधी जी से मुलाकात करते हैं 1922 में और गांधी जी के व्यू पॉइंट, गांधी जी के मेथड्स, गांधी जी बहुत रिवर्ड लीडर थे उस समय भारत में, अनचैलेंज थे. तो वो बहुत ज़्यादा तो एग्री नहीं कर पाते हैं, बट एग्री भी नहीं होते हैं, लेकिन कांग्रेस में काम करने लगते हैं. उधर चितरंजन दास के काम साथ काम करते हुए वो कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में भी काम करते हैं. दास का पेपर है फॉरवर्ड, इस तरीके से ही बिकेम वेरी वेरी एक्टिव और यूथ कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने लगते हैं. मतलब 20s के दशक में वो आधार तैयार हो रहा है जो आगे चलकर रिफ्लेक्ट होगा. उधर वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए म्यांमार, मतलब उस समय बर्मा डिपोर्ट भी कर दिए गए थे, बट वहाँ से आते हैं, फिर बंगाल में एक्टिव हो जाएंगे और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन जाएंगे. क्योंकि 1925 में देश बंधु की डेथ हो गई है, चितरंजन दास की डेथ हो गई है, उस वॉइड को फिल करते हैं और बंगाल कांग्रेस को संभालने लगते हैं. उधर 1928 से और 1930 तक का समय यूथ के लिए बड़ा ही एक्टिव था फ्रीडम स्ट्रगल में. कैसे एक्टिव था, इधर कांग्रेस में देखें तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग द यूथ फेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. ये वही समय है जब सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह भी बड़े बड़े बहुत एक्टिव थे उस समय. मतलब एक और डायमेंशन थी फ्रीडम स्ट्रगल की, जिसे रिवॉल्यूशनरी डायमेंशन कहते हैं. उधर वो लोग एक्टिव हैं, सूर्य सेन हैं,
चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खान हैं और सरदार भगत सिंह हैं, वो भी यूथ हैं। तो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में एक चेंज ओवर का समय है 28 से लेकर 30 का, जब नए लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं और अपना कन्विक्शन से काम कर रहे हैं, अपनी बात सामने रख रहे हैं। तो ही वॉज वेरी वेरी एक्टिव अराउंड दिस टाइम, और इट वॉज एक्चुअली अराउंड एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन। एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन हुआ था जब साइमन कमीशन भारत आया है, तो उसी समय सुभाष बोस का वो शुरुआत प्रॉपर है। जब एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन, साइमन कमीशन को अपोज कर रहे हैं इंडियंस, तब वो बहुत एक्टिव हो गए थे अलॉन्ग विद जवाहरलाल नेहरू। तो इट वॉज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ही बिकेम वेरी वेरी एक्टिव। इन्हीं दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखनी शुरू कर देते हैं, इंडियन स्ट्रगल। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम द इंडियन स्ट्रगल है। उधर 1930 के दशक में एक्टिव हैं, काम करते जा रहे हैं। 1938 में हरिपुर सेशन हरिपुर गुजरात में है, और आज के दिन हरिपुर में भी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। आज हरिपुर में भी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, गुजरात में हरिपुरा कह देते हैं। तो वहाँ हरिपुर में वो कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने हैं, हरिपुर सेशन। इसी साल वो बनाते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के पहले चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू बनाए गए हैं। द नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज स्टार्टेड बाई सुभाष चंद्र बोस, बट फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दैट प्लानिंग कमेटी वॉज जवाहरलाल नेहरू। इंडस्ट्रियलाइजेशन का खाका कैसे तैयार करें, इसलिए बनाई गई थी। 1950 में ये बन जाती है प्लानिंग कमीशन। क्या बन जाती है प्लानिंग कमीशन? नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसको शुरू किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और 2015 में प्लानिंग कमीशन भी ख़त्म हो जाएगा, वो नीति आयोग हो जाएगा। तो हम अगर ऐसे बोलें कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग का जो फाउंडिंग बॉडी थी, तो बोलेंगे आप नेशनल प्लानिंग कमेटी, और वो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में बनाई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हर साल होता था, इस साल भी हुआ है। त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी को आज जबलपुर कहते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में जबलपुर है, त्रिपुरी सेशन हुआ है। इस बार भी सुभाष बोस ने अपना नामांकन भर दिया है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। सुभाष बोस इस कन्विक्शन को मेंटेन कर रहे हैं कि जब तक आम स्ट्रगल नहीं होगी, सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा, तब तक कोई फ्रीडम मिलने वाली नहीं है। वो कांग्रेस और गांधीयन मेथड्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। उनका कहना था अंग्रेज़ों की परेशानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मौका है। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो रही है, ऐसे में इंग्लैंड परेशानी में है, यही हमारे लिए मौका है, लेट इट स्ट्राइक, यही स्ट्राइक करने का समय है। बट कांग्रेस ऑब्वियसली कुड नॉट हैव गॉन फॉर आर्म्ड स्ट्रगल, तो वो उनका तालमेल कांग्रेस के साथ बैठता भी नहीं था। उनका आइडियोलॉजी अलग थी, वो कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। त्रिपुरी में उनका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर देते हैं, तो नामांकन बहुत सारे आते हैं, वल्लभ भाई पटेल का भी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी है, बट गांधी जी ने पी सीतारमैया को सुभाष बोस के खिलाफ खड़ा करवा दिया है। तो फिर कहते हैं कि सीतारमैया वॉज हैविंग ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी जी, वो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की ड्रिफ्ट चलाई करती थी। एनीवेज, सीतारमैया फॉट अगेंस्ट गांधी जी, एंड गांधी जी के जो ये नॉमिनी हैं, ही वॉज डिफीटेड बाई सुभाष बोस इन त्रिपुरी इलेक्शन, एंड ही अगेन वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो अपनी कार्यकारिणी को खुद ही नॉमिनेट कर सकते हैं, ये कांग्रेस अध्यक्ष के पास एक प्रेरोगेटिव था। लेकिन उस समय जितने कांग्रेस के दिग्गज नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सब रेडी नहीं हैं, और सुभाष बोस अपने आप को बहुत कॉर्नर्ड फील करते हैं। बहरहाल वो इस्तीफा देते हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, और अध्यक्ष उसके बाद वो कांग्रेस में ही हैं, लेकिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसी साल अपना वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना देंगे, अपनी पार्टी बना लेंगे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो इट वॉज पार्ट ऑफ, ये याद रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज नॉट अवे फ्रॉम कांग्रेस, इट वॉज मेड विद इन द कांग्रेस, बाद में अलग हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस में ही बनी थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। बाद में उनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए कुछ समय के लिए कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। बहरहाल ये वर्ल्ड वॉर का समय है 1939 to 1945, और उनका कहना ही था कि यही सही समय है आर्म्ड स्ट्रगल के लिए, तो वो अपने हिसाब से कार्रवाई की तैयारी करने लगते हैं।
उनकी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने उनको कलकत्ता में हाउस अरेस्ट कर दिया है, बट वो बैठने वाले तो है ही नहीं, बैठना उनके चित्त में था ही नहीं। ओब्वियसली वहाँ से वो समझ रहे हैं कि हिटलर के पास पहुँचना चाहिए, जर्मनी पहुँचना चाहिए, वहाँ से कुछ मदद लेनी चाहिए। तो वो कलकत्ता से निकलते हैं, एस्केप करते हैं और मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से वो निकल जाते हैं। जियाउद्दीन के नाम से उनके जो नेफ्यू थे शिशिर घोष, वो उनको हेल्प करते हैं। इस तरीके से वो कलकत्ता से निकल जाएंगे जियाउद्दीन के नाम से। और जब वो वहाँ पर हैं तो एक पठान उनसे पूछता है कौन, तो अगर वो बोल देते तो फिर वो पकड़े जाते, पश्तो भाषा उनको आती नहीं थी। तो वो कहते हैं ना तो बोल सकता हूँ ना सुन सकता हूँ, बच गए थे। तो वहाँ से वो काबुल चले जाते हैं। फिर वो एक यूरोपियन पासपोर्ट हासिल करते हैं अपनी, जो जिस डिसगाइज में गए हैं उसको चेंज करते हैं, और ऑरलैंडो मसोटा के नाम से एक इटालियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। इस तरीके से फाइनली वो मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंच जाते हैं। तो ये उनकी यात्रा रहती है कि वो काबुल से मॉस्को, फिर कलकत्ता से काबुल, मॉस्को, जर्मनी पहुंच जाते हैं दो बार। एक बार जो इंडिया से गए हैं जियाउद्दीन, फिर वो ऑरलैंडो मसोटा से इटालियन पासपोर्ट हासिल करके जर्मनी पहुंच जाते हैं। फिर लंबे समय वहां रहेंगे, हिटलर से मदद की उम्मीद है। लंबा समय वेट करने के बाद हिटलर से मुलाकात भी हो जाती है, बट बहुत क्लियर कट, बहुत प्रॉमिसिंग रिस्पॉन्स हिटलर नहीं दे पा रहा है। बट जर्मनी में उन्होंने एक इंडियन लीजियन रेस की है, एक आर्मी यूनिट रेस किया है उन भारतीयों की मदद से जो वहाँ पर सैनिकों के तौर पर काम करते रहे हैं। इंडियन लीजियन भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। वहाँ रहने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। इधर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी भी बना दी गई है। रास बिहारी बोस एक रिवॉल्यूशनरी थे, 1912 में उन्होंने हार्डिंग बॉम्ब केस, है ना, हार्डिंग जो गवर्नर जनरल वायसराय हार्डिंग है उसके ऊपर बॉम्ब फेंका गया है, उसे मारने के लिए बड़ा डेयरिंग अटेम्प्ट था। तो रास बिहारी बोस ओब्वियसली जब वायसराय को मारने की कोशिश है तो पकड़े तो जाना ही है, बट वो संभव एस्केप करते करते 1915 में तो भारत छोड़ देते हैं और जापान वगैरह में रहने लगते हैं। रास बिहारी बोस की ही लीडरशिप में फिर बनती है इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाय कैप्टन मोहन सिंह। वो एक वेटरन है रास बिहारी बोस। अब ये जो पहला वाला फेज़ है जिसमें कैप्टन मोहन सिंह INA को चला रहे हैं, भारतीयों की मदद से एक सैनिक टुकड़ी बनी है, बट ये चल नहीं पा रही है। तो सुभाष बोस को बुलाया जाता है। देन सुभाष चंद्र बोस केम टू सिंगापुर विद द हेल्प ऑफ जैपनीज एंड जर्मन सबमरीन। अफ्रीका के पास मेडागास्कर में वो सबमरीन एक्सचेंज होती हैं, जर्मन सबमरीन से वो जापानी सबमरीन पे आते हैं और फिर सिंगापुर पहुंच जाते हैं 1943 में। यहाँ वो INA को रीऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पर INA को फिर वो विंग बनाते हैं, आज़ाद ब्रिगेड, है ना, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे विंग बनाए हैं, ब्रिगेड्स बनाई हैं जो आर्मी यूनिट्स हैं। और एक रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाया है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, रानी झांसी रेजिमेंट कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो उसके लीडर हैं। एक महिला विंग भी बनाया है विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। तो एक आर्मी यूनिट तैयार वो कर लेते हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वहाँ से चलती है, आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार। यही भारत की सरकार है, भारत इंडिपेंडेंट होगा यही सरकार होगी। हेड हैं उसके सुभाष चंद्र बोस। दो हेडक्वार्टर हैं सिंगापुर और रंगून, जो उनके हेडक्वार्टर हुआ करते हैं। उधर जापानियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड ही जीत लिया है और अंडमान निकोबार भी जीत लिया है, लेकिन जापानीज अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर कर देंगे और सुभाष बोस अंडमान निकोबार का नाम रख देंगे स्वराज एंड शहीद। उसका नाम रख देते हैं स्वराज शहीद अंडमान निकोबार का। तो इस तरीके से वो उनका नाम चेंज कर देंगे। उनके साथ जापानियों के साथ वो काम करते जा रहे हैं, अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको, क्या कहते हैं, और यहीं पर वो जय हिंद का नारा भी देते हैं। सुभाष बोस ने ही जय हिंद का नारा भी दिया है, जय हिंद।
उधर जापानियों के साथ एक फोर्स के तौर पे ये मूव करते हैं और जापानी इम्फाल तक मणिपुर तक तो आ गए हैं। कांगला फोर्ट है मणिपुर में, वहाँ बहुत सारे इस तरीके के आप जाएंगे तो वहाँ पर ये सब मिल जाएगा कि किस तरीके से INA एंड जैपनीज कुड कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया, इम्फाल तक पहुँच गए हैं। इससे आगे जैपनीज नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब INA भी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अब जापान जर्मनी के रिवर्सेज होने लगे हैं, अब ये पीछे हारते जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 44 के बाद। तो कांगला फोर्ट एक वो जगह है जहाँ पर INA से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं मणिपुर में। तो सुभाष बोस इधर 1944 में जब वो ये सब कूच होने वाली है भारत की तरफ, तब उन्होंने किसी रेडियो प्रसारण से, आज़ाद हिंद रेडियो भी शुरू हुआ है, वहीं पे उन्होंने बोला है वी वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी को राष्ट्रपिता उन्होंने एक रेडियो संबोधन से एड्रेस में बोला था कि वी वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स फादर ऑफ द नेशन, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता भी उन्हीं दिनों कहा था। तो यहाँ पर तो फिर ये हार सी हो गई है। वापस आते हैं, उधर 1945 की शुरुआत में ही दिख गया है कि जापान जर्मनी वगैरह हारेंगे और ये वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, हार तय हो चुकी है जापान जर्मनी की। उधर हिटलर की डेथ हो जाती है, हिटलर सुसाइड कर लेता है 30 अप्रैल को, और 7 मई तक जर्मनी हैड सरेंडर्ड ऑफिशियली। अमेरिका ने भी अपनी बॉम्ब वगैरह बना रखे हैं और अपनी इस पावर को दिखाने के लिए उसने बेवजह हिरोशिमा एंड नागासाकी कर दिया है। हिरोशिमा नागासाकी के बाद 6 और 9 अगस्त 1945 के बाद फिर वो एक जापान में जिस फॉर्मोसा आइलैंड में उन्होंने एक हवाईजहाज बोर्ड किया है, फॉर्मोसा जिसे आज ताइवान कह देते हैं, जापानियों के साथ एक एयरक्राफ्ट बोर्ड किया है, लेकिन उसमें क्रैश हो गया है, वहाँ पर वो क्रैश हो जाता है। तो उसमें सपोजिटली ही हैड डाइड इन दैट पर्टिकुलर क्रैश 18 अगस्त 1945। ये तो हम जानते ही हैं कि उनका बड़ा फेमस स्लोगन है, गिव मी ब्लड आई शुड गिव यू फ्रीडम, और INA का जो सॉन्ग है कदम कदम बढ़ाए जा, तो बहुत फेमस है ही, को पता ही है। सो 18 अगस्त 1945 को सपोजिटली इन दिस एयर क्रैश ही डाइड, और आफ्टर दैट ही डाइड, सब ये मिस्ट्री रही है। कई सारे कमीशन्स वगैरह बने हैं, फिगर्स रिपोर्ट है, शाहनवाज कमेटी है, खोसला कमीशन है, मुखर्जी कमीशन सबसे फेमस है, बट कोई क्लैरिटी इसमें नहीं आ पाई है। तो उनकी फिर वो 1945 में सपोजिटली डेथ हो जाती है। उनको भारत रत्न देने का दिया गया, लेकिन जो भारत रत्न के रूल्स हैं उसमें अगर पोस्थमसली दिया जाएगा तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट जैसा डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ उनको दिया गया और उनको मिल नहीं पाया, तो दिस वे ही वॉज ओवर। तो सुभाष चंद्र बोस रिफ्लेक्टेड अनदर डायमेंशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल व्हेन द कांग्रेस विद पीसफुल एजिटेशन वॉज वर्किंग टुवर्ड्स फ्रीडम स्ट्रगल, दैट वॉज वन साइड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑल्सो वेरी एग्जेम्पलरी। वो एक अलग डायमेंशन थी उनकी, और एक सैनिक क्षमता के तौर पर वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, और उनकी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। तो ही डाइड इन 1945, ही कुड नॉट सी द फ्रीडम, दो ही इग्नाइटेड द लाइट ऑफ फ्रीडम इन हिज ओन वे, उनका अपना तरीका था, वो अपने तरीके से अपना काम करके चले गए थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ट्रिब्यूट टू दिस हीरो ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो विच इज़ वेरी यूजफुल एकेडमिकली ऑल्सो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकेडमिक यूज़ के लिए भी, आपके एग्जाम्स के लिए भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।